जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कर्ज क्या है, यदि आप पैसे लेते हैं तो उसे चुका सकते हैं, यदि आप किसी से अन्न धन लेते हैं तो आप उसे चुका सकते हैं, लेकिन आखिर वे कौन सा कर्ज है जिसे हम कभी भी चुका ही नहीं सकते हैं? तो वह होता है दूध का कर्ज। अपनी माँ का दूध का कर्ज कभी भी कोई नहीं चुका सकता, लेकिन एक घमंडी लड़का की आज बात है जो चला था दूध का कर्ज निभाने। एक माँ ने एक बार अपने बेटे से बोले, बेटा तू मेरा दूध का कर्ज कभी नहीं अदा कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, पैसे दे सकता है, धन दे सकता है, घर दे सकता है, घोड़ा दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, लेकिन मेरा तू कभी दूध का कर्ज नहीं निभा सकता। वह बेटा कहता है, क्या बात कर रही हो माँ, अरे पहले के जमाने में लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं दूध का कर्ज बात कर रही, ये तो सिंपल सी बात है, मैं जो कहो करने के लिए मैं सब कर दूंगा। माँ कहती, मैं जो कहूंगी करने के लिए तुम करोगे? वह बेटा बोलता, क्यों नहीं माँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, आखिर है क्या चीज? तो माँ कहती, ठीक है तब तू तैयार हो जा, देखते हैं तू मेरे दूध का कर्ज निभा पाता है कि नहीं। माँ कहती है कि ठीक है, तू आज अपने रूम में नहीं सोएगा, आज तुझको मेरे पास ही सोना पड़ेगा। माँ वो बेटा कहता, ठीक है मैं, इसमें कोई बात नहीं है, और सोने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही अभी पहली नींद लगने ही वाली रहती है, तब तक जो है माँ कहती है, बेटा मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी लाओ ना। वो लड़का तुरंत उठ करके जाता है और पानी लेकर के आता है, कहता माँ ये लो पानी पी लो। वो माँ पानी पीती है, लेकिन पानी जैसे ही पीती उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और लड़का जिस जगह पर सोया रहता है उसी साइड में वो पानी गिर जाता है। किसी तरीके से कहती, बेटा गलती हो गई, पानी को इसको किसी तरीके से पोंछ दो। दोनों लोग मिलकर के पानी को पोंछते हैं, कपड़े लेकर के सुखोते हैं, जितना सूख सकता था उतना सूखा, फिर से लड़का सोया, माँ भी सोई। कुछ समय बीते थे, फिर से नींद लगने ही वाली थी, तब तक फिर से माँ ने कहा, बेटा मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, क्या दो रोटी बना के खिला सकते हो क्या? कहता, क्यों नहीं माँ, अवश्य मैं बना के खिलाऊंगा। वह जाता है बेटा शाम के समय में, आधी रात को उस माँ के लिए दो रोटियां बनाता है और बना करके लाता है, खिलाता है। फिर से माँ पानी पी रही होती है, तब तक वह पानी थाली में छूट जाता है और जैसे थाली से छूटता वह गिलास कूद करके फिर से उसी जगह पर आकर के गिर जाता है जिस जगह पर वह बेटा का सोने का जगह रहता है उसके बगल में। फिर से वह बिस्तर गीला हो जाता है, जैसे ही बिस्तर गीला हो जाता है फिर से कहता, माँ ये तू क्या कर दी, फिर से वो जगह गीला कर दी। बेटा कोई बात नहीं, सूख जाएगा, इसको काच दो, थोड़ा सा भीगा रहेगा, फिर से बेटा जो है जल्दी जल्दी साफ करता है। फिर से दोनों लोग सो जाते हैं, लेकिन रात के समय में ही उस माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तब तक अचानक माँ उठ करके शौचालय के लिए जा ही रही होती है, तब तक उसे जोर से ओटिंग हो जाती है और जैसे उसको ओटिंग हो जाती है और वह ओटिंग अपने बेटे के ऊपर ही कर देती है, तुरंत वह उठ जाता है, कहते माँ ये तू क्या कर दी, कुछ समझती नहीं है, आखिर मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ ना, मेरे ऊपर ही तू कर दी, तुझको ये भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पर सोया हूँ, बाहर नहीं कर सकती। बेटा कोई बात नहीं, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। क्या माँ धुल जाएगा साफ हो जाएगा? वो बेटा जाता है, कपड़ा निकाल करके वॉशिंग मशीन में डाल देता है, फिर से उसको बिस्तर पर भी गिर गया तो उसको धो करके साफ कर देता है, काच करके साफ कर देता है। फिर से बेटा सो गया रहता है। जैसे ही 3 बजने वाले होते हैं फिर से माँ जोर से कराहने लगती है, बेटा को जगाती है,
बेटा उठो। फिर से उठता कहता अब क्या हो गया माँ? अरे मेरे को सोने तो दो, आज तक तू क्या, आखिर तेरे को हुआ क्या है, क्या दिन रात भर तू मेरे को परेशान कर रही है? कहती है कि मेरे को बहुत जोर से प्यास लगी है। अब तो गुस्से में जाता है, कहता ले पानी पी ले। फिर से माँ जैसे ही पानी पीती है और जानबूझ करके ये पूरा का पूरा गिलास का पानी उसी जगह पर गिरा देती है जहां पर वह बेटा सोया रहता है। अब तो पूरा बिस्तर गीला हो जाता है और जैसे इस बार पानी गिरता है उसका बेटा जो आग बबूला हो जाता है। कहता क्या माँ, आज तू क्या कर रही है? एक तो ऑलरेडी इतना गीला था, पूरा का पूरा बिस्तर तू गीला कर दी, मैं कहां सोऊंगा कैसे? एक तो नींद नहीं आ रही, तू मेरा नींद हराम करके रखी, रात को ओटिंग कर देती है, क्या तू आखिर तू आज कर क्या रही है? ऐसा जब बेटा बार बार झड़कार के बोलता है जोर से, वो माँ कहती है क्या तू यही दूध का कर्ज निभाने चला था? अरे तू उस दिनों को नहीं भूल सकता, मैं अपने तेरे मलमूत्र में सो जाती थी, तेरे को सूखे में सुलाती थी, मैं खुद को गीला में सो जाती थी, तेरे को सूखे में सिलाती थी, अपने नहीं खाती थी लेकिन तेरे को खिलाती थी। तू मेरे को जब से पेट में था तब से ही लात मारा था, और कितनी लातें मारी है, मैंने तेरा हर लात सहा है, जब बाहर आया तो भी कितनी रातें मैं तेरे चक्कर में सोई नहीं, रात में तू 10-10 बार उल्टियां कर देता था, लैट्रिन कर देता, टिट्टी कर देता था, उसके बावजूद भी मैं कभी तुझसे प्यार करना नहीं छोड़ी, कभी मैंने तेरे को उठा के फेंका नहीं, और तू चला था मेरा दूध का कर्ज निभाने। अरे तू क्या करेगा, ऐसे ऐसे तू 10 बार जन्म लेगा तो भी एक माँ का कर्ज नहीं निभा सकता है। उस अर्धरात्र में भी तेरे को भूख लगता था, मैं नहीं खाती थी लेकिन तेरे को दूध जरूर पिलाती थी, अपने हिस्से का खाना मैं तुझे देती थी, और तू चला था मेरा कर्ज निभाने। हर तेरे जैसे बहुत सारे आए और गए, आज तक पूरे इतिहास गवाह है, कभी भी कोई इंसान अपनी माँ का कर्ज नहीं निभा पाया है, तो तुम क्या निभाओगे? वो बेटा तुरंत अपने माँ के चरणों में गिर जाता है, कहता माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अनजान था, मैं मूर्ख हूं कि मैं चला था माँ का कर्ज निभाने, मैं नहीं कर सकता माँ, तू बड़ी है, तू बहुत बड़ी है माँ, तेरा कर्ज निभाना मेरे बस की बात नहीं है, मेरे जैसा कोई भी इंसान माँ का कर्ज नहीं निभा सकता। ये होती है माँ की कर्ज। माँ का कर्ज इस संसार में कोई भी इंसान नहीं अदा कर सकता। जो एक माँ अपने बेटे के लिए, बेटा वह लात मारता है तो भी वह बेटा उसे प्रेम करना नहीं छोड़ती है, बेटा उसे गालियां देता है लेकिन तो भी माँ उससे प्रेम करना नहीं छोड़ती है, हर वक्त में बेटा उसे थूकता है, गालियां देता है, उसके ऊपर उल्टी कर देता है, हर चीजें कर देता है लेकिन माँ उससे प्रेम करना नहीं छोड़ती है। ये होता है माँ का प्यार, और माँ का कर्ज कौन अदा कर सकता है? इस दुनिया में कोई भी आज तक न पैदा हुआ है, यहाँ तक कि भगवान भी नतमस्तक हो गए अपनी माँ के सामने, क्योंकि वे लोग भी अपनी माँ का कर्ज नहीं अदा कर सकते। जय जय राम, जय सिया राम।